सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग इजी साइंस क्लासेस। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कंपोनेंट ऑफ फूड से। वो है हमारा बैलेंस्ड डाइट, यानी कि संतुलित आहार। हम अपनी बॉडी को किस तरह से बैलेंस्ड डाइट दे सकते हैं और बैलेंस्ड डाइट से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है। कि द फूड वी ईट मस्ट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं वो अगर हमें उस खाने से मिल जाएं तो वो कहलाती है आपकी बैलेंस डाइट। यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें राइट प्रोपोर्शन में, राइट मात्रा में अगर हमको मिल जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो वो डाइट कहलाती है आपकी बैलेंस डाइट। फ़ायदे क्या हैं बैलेंस डाइट के? कि ये हमें जितनी हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उतनी हमें एनर्जी ये प्रोवाइड कराते हैं। और अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई टिश्यू या कोई सेल डैमेज हो जाए तो वो भी रिपेयरिंग करने में काम आती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो क्या ले रही है? बैलेंस डाइट ले रही है। तो बैलेंस डाइट के अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट शुड मेक न्यू सब्सटेंस एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बैलेंस डाइट क्या बनाती है? नए नए सब्सटेंस बनाती है, जो नए सब्सटेंस होते हैं वो ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में सहायता देते हैं। अ मील कंटेनिंग सम और ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड टेकन बाय ह्यूमन टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट इज टर्म्ड एज डाइट। आहार हम किसको बोलते हैं? कि ऐसा भोजन जिसके अंदर भरपूर मात्रा में सारे कंपोनेंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों, बॉडी में सारे कंपोनेंट्स जाएं, यानी कि बॉडी सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, एक ऐसा आहार उसको हम बोलते हैं डाइट। तो द डाइट विच कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। तो एक ऐसा आहार जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हों राइट प्रपोर्शन में, मात्रा में, वो कहलाती है आपकी बैलेंस्ड डाइट। द कंपोजिशन ऑफ द बैलेंस्ड डाइट डिपेंड अपॉन सेक्स, एज ग्रुप एंड ऑक्यूपेशन। तो अब जो बैलेंस्ड डाइट का जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब होता है कि मात्रा, वो डिपेंड करती है सेक्स पर, कि पुरुष को कितनी चाहिए, महिला को कितनी चाहिए, एज ग्रुप बच्चा, वयस्क और बूढ़ा, और ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब कौन सा काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है या फिर कोई और काम कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक टिपिकल बैलेंस डाइट की, यानी कि जनरल मैं बात करूँ तो एक बैलेंस डाइट में 60% कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट 15% होता है, 25% प्रोटीन होता है, और मिनरल्स और विटामिन्स भी आपके सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं। यहाँ पर बात की गई है द रिकमेंडेड बैलेंस डाइट फॉर अ 12 ईयर चाइल्ड इज गिविन बिलो। कि एक 12 साल के बच्चे को अगर हम बैलेंस डाइट दें तो उसके अंदर कितना मात्रा में चीज़ें होनी चाहिए, कितनी मात्रा में होनी चाहिए, तो ये हैं सीरियल्स आपका 320 ग्राम होना चाहिए, 70 ग्राम पल्सेस, 100 ग्राम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ये एक चार्ट है 12 साल के बच्चे का, कि उसकी अगर बैलेंस डाइट भरपूर मात्रा में अगर वो खाना खा रहा तो इतना चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए इतनी मात्रा में। ये डिपेंड करता है आप कितना खा रहे हो, मैं कितना खा रहा हूँ, और बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी को कितने की ज़रूरत है। मान लो मेरी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं ज़्यादा खाऊँगा, आपकी बॉडी को कम ज़रूरत है तो आप कम खाओगे। तो जितने भी ठंडे फूड्स होते हैं, डीप फ्राइड एंड रोस्टेड फूड्स लूज देयर न्यूट्रिएंट वैल्यू, सो सच फूड शुड बी अवॉइडेड। अच्छा, तेल भरा खाना, ठंडा, ज़्यादा ठंडा खाना, ज़्यादा रोस्टेड जला हुआ खाना, ये सारे खाने से हमें बचना चाहिए। भले ही ये फूड टेस्टी होते हैं लेकिन हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, ठीक है, नुकसान पहुंचाते हैं।
क्या करते हैं, ये ओबिसिटी प्रोवाइड करा देते हैं, यानी कि हम कैसे हो जाते हैं, मोटापा क्रिएट कर देते हैं ये। तो हमें बचना चाहिए ऐसे खाने से। अब बात आती है अंडर न्यूट्रिशन। देखो ये जो ओरल क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको अपने आप करने हैं कॉपी में, और जो कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। तो ये आपका जो क्लास वर्क है वो यही है कि आपको ओरल क्वेश्चंस करने हैं। अब बात आती है अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो प्रीवियस सेक्शन में तुमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा कि अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो आप बैलेंस डाइट लीजिए रिक्वायर्ड अमाउंट में। अगर उस बैलेंस डाइट से आप कम खाना खा रहे हो, लेस देन द रिक्वायर्ड फूड, जो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट मांग रही है, जितनी मात्रा में आपकी बॉडी फूड को मांग रही है, अगर उससे आप कम खाना खा रहे हो तो वो कहलाता है आपका अंडर न्यूट्रिशन। उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाओगे। यानी कि एक ऐसी स्टेट जिसमें हम कम खाना टेक कर रहे हैं, कम खाना खा रहे हैं। अब कम खाना क्यों खा रहे हैं, इसके भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। पहला है गरीबी, ड्यू टू पॉवर्टी। पुअर पीपल, जो गरीब लोग होते हैं वो, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो पूरी क्वांटिटी फूड की खा पाएँ, तो दे विल सफ़र फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन। दूसरा कारण हो सकता है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि जो फूड है, जो खाना है आपका, वो अवेलेबल ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्या पता, देखो कुछ कैलामिटीज़ आ जाए, फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, सूखा पड़ जाती है तो फसल नहीं होती है, फसल नहीं होती है तो क्रॉप नहीं होते, ठीक है, क्रॉप प्रोड्यूस नहीं होती है, तो फिर खाना हमें नहीं मिलता है। तो ये दो रीज़न है, एक गरीबी और एक नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अंडर न्यूट्रिशन हो गया आपका। अब बात आती है माल न्यूट्रिशन की। माल न्यूट्रिशन, समटाइम्स आवर डाइट में बी लैकिंग इन वन और मोर न्यूट्रिएंट। कभी कभार क्या होता है कि हमारी डाइट में एक या दो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तो एक ऐसी सिचुएशन आती है कि हम खाना तो पूरा खा रहे हैं, भरपूर मात्रा में खा रहे हैं। जैसे अगर आपसे बोलते हैं तो मेरी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, मैं खाना बहुत खाता हूँ। आपके मम्मी पापा बोलते होंगे आपके अंकल आंटी से कि हमारा लड़का खाना बहुत खाता है, लेकिन उसका जो हेल्थ है वो नहीं बढ़ पा रही है। क्यों नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि आप किससे सफ़र कर रहे हो, माल न्यूट्रिशन से। माल न्यूट्रिशन कैसी कंडीशन होती है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें खाना भरपूर मात्रा में खाते हैं लेकिन उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हम ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, थकावट होती है, बीमार पड़ जाते हैं हमारी बॉडी, उसको हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। अब ये जो माल न्यूट्रिशन है उसके कारण क्या है, कैसे हो सकता है, केयरलेसनेस, हम लापरवाह हो जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं, स्पाइसी फूड खा लेते हैं, ठीक है, उसी से पेट भरते हैं। हमें पता है कि जो स्पाइसी फूड है वो हमारी बॉडी के लिए नुकसान करेगा, बर्गर पिज़्ज़ा जिद इतना भी है, लेकिन फिर भी हम खा लेते हैं। और फिर दूसरी बात होती है लैक ऑफ एजुकेशन, हमें चीज़ों की समझ की थोड़ी कमी है, खासकर बच्चों को जो थोड़ी कमी रहती है, जब बड़े हो जाते हैं तो हमारी समझ आ जाती है कि हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये माल न्यूट्रिशन के कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन ये डायरेक्टली हमारी ग्रोथ पे अफेक्ट डालते हैं, ठीक है, हमारी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, अपंगता आ जाती है, सारे ग्रुप में आती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो। द ग्रोइंग चिल्ड्रेंस आर अफेक्टेड वेरी बैडली बाई अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। तो जो बच्चे बढ़ रहे हैं, 7-8 साल के बच्चे, वो बुरी तरह से प्रभावित होते हैं अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन की वजह। तो उस टाइम जब 7-8 साल का बच्चा हो, 10-12 साल का हो, तो वहाँ पे हमें अंडर न्यूट्रिशन भी नहीं करवाना, माल न्यूट्रिशन भी नहीं करवाना, पूरा बैलेंस डाइट देनी है बच्चे को। अगर एग्जांपल की बात करूँ कि इफ़ अ चाइल्ड गेट्स लेसर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इन हिज डाइट, ही सफर फ्रॉम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर कोई बच्चा पूरी भरपूर मात्रा में खाना खा रहा है लेकिन उसको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं मिल रहे उस डाइट में, तो वो कौन सी डिसीज से सफ़र करेगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन।
अब इसमें क्या होता है, कौन सी डिसीज आ जाती है, मेरास्मस। जैसे आपको फिगर दिख रहा है, फिर इस फिगर में ये बच्चा जो है वो पूरा प्रॉपरली देखो इसकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, इसके हाथ कैसे हैं, तो ये माल न्यूट्रिशन से अफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, इसको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिले हैं, प्रोटीन नहीं मिली है, तो माल न्यूट्रिशन आपको समझ में आया। अब बात आती है ओबिसिटी यानी कि मोटापा। फिगर आपको दिख रहा है, ओबिसिटी लीड्स टू मैन डिसीज मोटापा। तो जो ओवरवेट वाले लोग होते हैं, बल्कि लोग होते हैं, भारी लोग होते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं, इनके अंदर फैट की मात्रा, वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वो वसा की मात्रा डाइजेस्ट नहीं हो पाती, पच नहीं पाती, और वो जो वसा है, जो फैट है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जब वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो वहाँ से क्या चालू हो जाएगा, आपका मोटापा, उसको बोलते हैं ओबेसिटी। कॉज क्या है, क्या क्या कारण है, ओवर ईटिंग ज़्यादा खाना खाना, फैट भरा खाना ज़्यादा खाना। हाँ, कुछ ओबेसिटी के कारण हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी होता है, जो हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं वो इम्बेलेंस हो जाते हैं, यानी कि बैलेंस्ड नहीं हो पाते। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी कि हमारे अंदर जितनी भी एक्टिविटीज चल रही हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही हैं, वो गलत तरीके से चल जाती हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके, अपनी लाइफ स्टाइल को बदल के, मेडिसन्स को लेकर। मेडिसन्स हम तब लेंगे जब हमें हार्मोनल इम्बेलेंस होगा, हमारे अंदर के जो हार्मोन्स हैं वो इम्बेलेंस हो जाएंगे। हम ज़्यादा मात्रा का फैट और कार्बोहाइड्रेट का फूड ना खाएं। ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ओबेस पीपल होते हैं, जो मोटे पीपल होते हैं, वो नॉट एक्टिव नहीं होते हैं, वो ठीक है सुस्त बड़े रहते हैं, उनको डिसीज हो जाते हैं। कौन कौन सी डिसीज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है इनका, दूसरा हाइपरटेंशन, ज़्यादा टेंशन रहती है, अटैक ज़्यादा पड़ता है उनको, और डायबिटीज़ जो सबसे गंभीर बीमारी है जिस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपको समझ में आए होंगे कि बैलेंस डाइट का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो माइल्ड न्यूट्रिशन नहीं होगा, अंडर न्यूट्रिशन नहीं होगा, और ओबेसिटी भी नहीं होगी। तो देखिए कितने सारे फ़ायदे हैं बैलेंस डाइट के। आपको समझ में आया होगा बैलेंस डाइट, समझ में आया होगा अंडर न्यूट्रिशन का मतलब और माइल्ड न्यूट्रिशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, फिर ओबेसिटी, फिर कुछ कॉजेज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, कल हम देखेंगे डेफिशिएंसी डिसीज़, कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अगर हमें ना मिलें तो कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अब आपकी नई वीडियो आ चुकी है। तो ये आपके लिए फ़ायदा है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपके लिए फ़ायदा है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो आ चुकी है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखना, घर वालों का ख्याल रखना, क्योंकि आप हैं तो घर वाले हैं, सुरक्षित रहना, कोरोना का टाइम चल रहा है, मास्क लगा के घूमना, ठीक है, और सैनिटाइज़र से बार बार हाथ धोते रहना, हर दो दो 20-20 सेकंड बाद, और अपने आप को मेंटल, फिज़िकल और सोशल रहने के लिए आप डेली एक्सरसाइज करिए, सुबह सुबह एक्सरसाइज करिए, और बैलेंस डाइट का एक चार्ट होता है उसको बना के रखिए। कल आप क्या करना, आप करना गूगल पे जाना और उस पर एक चार्ट होता है बैलेंस डाइट का, उसको आप कॉपी में नोट करके देखना, आपको पता चलेगा कि बैलेंस डाइट एक्चुअली में क्या है। और कोशिश करना कि आप ऑयली खाना ना खाओ, फैट भरा खाना ना खाओ, आपको ही प्रॉब्लम होनी है। तो आज के लिए बस इतना ही है, अपना ख्याल रखना, परिवार वालों का ख्याल रखना, हंसते रहो बस, ठीक है, ज़्यादा हंसते रहना और टेंशन मत लेना किसी बात की, देखो टेंशन लेने से वैसे भी कुछ नहीं होता,
और आप कोई मोटे लोग तो हो नहीं हो कि हाइपरटेंशन हो जाए उसको, तो खुश रहना, प्रैक्टिकल रहना और अपनी पढ़ाई करते रहना, और तो कोई टाइम है नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।